आप देख रहे हैं मायापुरी कट। मैं हूं आपके साथ छवि और स्वागत है आपका मायापुरी अपडेट्स पर, जहां हम आप तक बॉलीवुड से जुड़ी सारी खबरें पहुंचाते हैं। सो लेट्स बिगिन। रणदीप हुड्डा और लीन लेशराम अब शादी के बाद वेडिंग रिसेप्शन होस्ट करने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए जानते हैं न्यूली वेड कपल की रिसेप्शन पार्टी किस दिन है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणदीप और लीन के करीबी सूत्र ने जानकारी दी है कि दोनों 11 दिसंबर 2023 को रिसेप्शन पार्टी देंगे। सूत्र ने ये भी बताया कि रणदीप और लीन के परिवार के सदस्यों के अलावा वेडिंग रिसेप्शन में उनके इंडस्ट्री से जुड़े कुछ करीबी दोस्त शामिल होंगे। फिल्म एनिमल में बॉबी देओल के खूंखार अवतार की खूब तारीफ हो रही है। वहीं अब बॉबी के पिता और एक्टर धर्मेंद्र ने भी एनिमल पर अपने बेटे की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की है। लेजेंडरी एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एनिमल फिल्म से अपने बेटे की एक फोटो शेयर की। इसी के साथ ही एक्टर ने हार्ट इमोजी पोस्ट करते हुए बेटे की तारीफ में लिखा, टैलेंटेड बॉय। पूर्व मिस यूनिवर्स हन्नाज सांधु और वीर पहाड़िया इन दिनों अपने रिलेशनशिप को लेकर लगातार खबरों में बने हुए हैं। हन्नाज और वीर को लेकर खबरें अब उड़ना शुरू हो गई हैं। जियो वर्ल्ड प्लाजा के लॉन्च इवेंट में दोनों को साथ देखा गया था। वहीं हाल ही में वीर पहाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की, जिस पर हन्नाज ने कमेंट कर लिखा, जंगल में केवल एक ही राजा है। बता दे वीर जल्द ही अक्षय कुमार के साथ स्काई फोर्स में अपने डेब्यू के लिए तैयार हैं। कटरीना ने याद किया कि कैसे वह कोविड-19 लॉकडाउन के बाद अपनी शादी को लेकर चिंतित थी। रेड सी फिल्म फेस्टिवल के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा, जैसे ही दुनिया कोविड के बाद खुल रही थी, हम अपनी शादी की योजना बनाने की कोशिश में थे। कई लोगों की तरह हमें भी लॉकडाउन हटने का इंतजार करना पड़ा ताकि हम शादी कर सके। हमारा पूरा परिवार वहां मौजूद था और मैं केवल इस बात पर ध्यान दे रही थी कि मेरे पूरे परिवार को दुनिया के सभी कोनों से आना है, जहाँ से आना बैन है, इसलिए यह अद्भुत था। हाउसफुल फ्रेंचाइजी की 4 किश्तों की शानदार सफलता के बाद अक्षय कुमार ने अब कॉमेडी ड्रामा की अगली किश्त की रिलीज की तारीख की घोषणा कर दी है। अक्षय ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर खुलासा किया कि हाउसफुल 5 सिनेमा घरों में 6 जून 2025 में रिलीज होगी। टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा अपने लुक के लिए कई बार चर्चाओं में आई है। वहीं एक्ट्रेस हाल ही में अपने हॉट लुक में नजर आई, जो चर्चा का विषय बन गया। इस वीडियो के सामने आने के बाद कुछ लोग उन्हें उर्फी की बहन कह रहे हैं तो कुछ उन्हें उनके आउटफिट के लिए ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में निया ने क्रॉप जैकेट पहना हुआ है, जिसका डीप नेक है। लोगों का ध्यान उनकी पैंट पर गया। एक्ट्रेस ने ब्लैक पैंट पहनी हुई है। इस लुक में हैरानी की बात यह है कि निया की अंडरगारमेंट साफ दिख रही है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन की वापसी को लेकर खबरें सामने आ रही थी। कई एपिसोड में भी उनके आने की तैयारी देखने को मिली, लेकिन अब नए प्रोमो में दिखाया गया है कि दया बहन के ना आने की खबर से पूरी गोकुलधाम सोसाइटी गुस्से में आ गई है। लेकिन सिर्फ सोसाइटी के लोग ही नहीं, बल्कि मेकर्स की इस हरकत से दर्शक भी गुस्से में आ गए हैं। यहाँ तक कि ऑडियंस ने शो को बायकॉट करने का फैसला भी कर लिया है। बिग बॉस 17 में ऐश्वर्या शर्मा और नील नजर आ रहे हैं, लेकिन ऐश्वर्या को उनके बर्ताव के लिए कई बार सलमान टोक चुके हैं। इस बार तो सोहेल खान और अरबाज खान ने उन्हें डोमिनेटिंग कह दिया है। ये सुन उस समय तो ऐश्वर्या मुस्कुरा देती हैं, लेकिन बाद में वो पति नील पर बरसती हैं। बता दे सलमान खान भी ऐश्वर्या को नील संग अच्छा बर्ताव न करने की वजह से डांट चुके हैं। दिनेश फर्नांडिस वेंटिलेटर पर हैं। सीआईडी को एक्टर दयानंद शेट्टी ने दिनेश फर्नांडिस की तबीयत को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा, दिनेश फर्नांडिस हॉस्पिटल में एडमिट हैं और वेंटिलेटर पर हैं। डॉक्टर उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखे हुए हैं। उन्हें हार्ट अटैक नहीं आया था, उनका किसी और चीज का इलाज हो रहा है। अभी मैं इस पर कमेंट नहीं कर सकता। आज के लिए मायापुरी अपडेट्स पर बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।